ചിത്തം മുടക്കും വരും സിക്കാപ്പതും സമാധിയാമി ചുറാമേരി മജ്ജിപ്പം മുടക്കും വരും ധനവതി മായാവതി या दयावती, कलावती, चंद्रवती, रामवती, सरस्वती, सामावती, उफवती। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें एक वती शब्द कॉमन आता है, क्योंकि मेरी माँ का नाम धनवती है तो मैं सोचा करता था कि ये वती का मतलब है क्या, क्योंकि देवी देवता का तो मुझे पता है कि जो पांच सील का पालन करते हैं वो देवी और देवता होते हैं, मगर वती क्या होता है ये समझ में नहीं आया। दरअसल भारत में बुद्ध के समय से पहले और बुद्ध के समय के बाद भी किसी महिला को सम्मान से जब बोलना होता था तो उसको बोलते थे भवती या भौती। भवती संस्कृत भाषा में है और भौती पाली के अंदर है, तो भौती करके बोला करते थे, और बहुत ही एक तरह से जैसे मदाम या मैडम करके बोला जाता है आज के समय में किसी समय महिला को, तो मदाम या मैडम का ही एक रूप है भोती। यानी कोई भी महिला है उसको अगर इज्जत के साथ बोलना है, सम्मान के साथ बोलना है, तो आप भोती बोल सकते हैं। इस भोती को बाद में संस्कृत भाषा में भवती किया गया, और भवती में जो वती है यानी भयवती, जो वती है ये वती वहीं से लिया गया है। दरअसल ये पाली का शब्द है जो ती से बना है, तो जैसे माया वती नाम रखा या धनवती नाम, तो धनवती मेरी माँ का नाम है, इसका मतलब है धन जो होता है वो दही को बोलते हैं, दही का मतलब जो गेहूं या जो चावल है, जो धान है वो घर में आता है उसको धन, पहले इसी को धन बोला जाता था, सिक्के नहीं होते थे, तो यानी कि जिसको दही धान ग्रेन्स के बहुत ज़्यादा सम्मानित रूप से नाम दिया जाता है वो धनवती। बाद में इसको वंतु करके भी जोड़ा जाने लगा, वंतु का मतलब होता है वाला या वाली, तो वंतु वती दोनों ही में चलता है, यानी वाला वली में भी और सम्मान के साथ भी चलता है। एक शब्द आता है जैसे भूतनी के, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं गाली के रूप में कहते हैं अबे भूतनी के। दरअसल भूत जो होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है, इसका मतलब होता है कि जो बीत गया उसको भूत कहते हैं, चाहे वो समय है चाहे वो कोई भी चीज़ है, वो भूत हो गई। मगर भूतनी कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बीत गया है वो नपुंसक काल में है, वो मेल और फीमेल में नहीं आता। इसलिए जो बीत गया है तो ऐसा नहीं कह सकते कि बीत गई, यानी कि वो फेमिनाइन में यानी इथिलिंग में नहीं आता। तो यहाँ भूतनी का मतलब होता है भौती से, यानी भौती को ही भूतनी बनाया गया है, और ये हम बहुत इज्जत से बोला करते थे भौती के, यानी सम्मानित महिला के, तो भौती के। बाद में सम्मानित शब्द को गाली बना दिया गया, तो इसको भूतनी के बोला जाता है। आज भी ये गाली चलती है, जब गुस्से में होते हैं तो कहते हैं भूतनी के। पता नहीं है लोगों को कि भूतनी के होता क्या है, भौती से बना हुआ है। तो भौती और भवती दो तरह से इस्तेमाल होता है, वती में और भूतनी में। ये बड़े स्पष्ट शब्द हैं पाली में, अगर आप जाएंगे तो आपको पुराने और आज के शब्द के अंदर जितना ब्रिज है वो सारा का सारा ब्रिज आपको मिलेगा। धन्यवाद। सरेण गच्छामि।